नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कम्पटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमरा सुंडा जी ने लिखा है। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्टिकल्चर में वेजिटेबल प्रोडक्शन के बारे में, और वेजिटेबल प्रोडक्शन में हम दो तो कोल क्रॉप पढ़ेंगे, एक तो कैबेज और एक कैलीफ्लावर। इसके साथ साथ ढेर सारे और भी कोल क्रॉप्स होते हैं लेकिन इस बुक में नहीं लिखा गया है, इस वजह से मैंने इसमें इस लेक्चर में उसको इंक्लूड नहीं किया। अगर आपने कोल क्रॉप को ढेर सारी जो फसलें हैं जैसे ब्रोकली है, नॉल खोल है, ये सब चीज़ें जो हैं, अगर इनको भी पढ़ना है आपको, तो मैं ये आपको एक बार सजेस्ट करूँगा कि आप इंस्टेंट हार्टिकल्चर जो सीरीज है वेजिटेबल वाली, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। वहाँ से आपको आराम से सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी और वहाँ पर थोड़ा डिटेल में भी बताया गया है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, निमराज सुंडा जी में जो चीज़ें कुछ लिखी गई हैं, कुछ चीज़ें नई भी हैं, तो इस लेक्चर को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस वीडियो देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं या आप वीडियो देखते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें, क्योंकि जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो कोल क्रॉप हम दो पढ़ने वाले हैं, एक तो कैबेज और एक कैलीफ्लावर। इसके साथ साथ एक बल्ब क्रॉप है जिसका नाम होता है ओनियन, जिसको हम प्याज कहते हैं। इन तीन फसलों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोल क्रॉप में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि ऑल कोल क्रॉप्स आर प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी मतलब, प्रोटो का मतलब होता है पहले और गाइनी मतलब जब गाइनोसियम यानी कि फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाता है। देखो, एक तो होता है प्रोटोगाइनी, एक होता है प्रोटेंड्रस, मतलब कि अगर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होगा। देखो, किसी पौधे में दो पार्ट होते हैं, पौधे के मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। फ्लावर में अगर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा तो प्रोटोगाइनी कहते हैं। इसे गाइनोकोलॉजिस्ट होता है एक डॉक्टर, मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ, तो उसी से गाइनो से याद कर लो कि ये फीमेल से रिलेटेड है, और प्रो से याद कर लो पहले, यानी कि इसमें जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का वो पहले मैच्योर हो जाता है और जो मेल पार्ट होता है वो थोड़ा बाद में मैच्योर होता है हर पौधे का कोल क्रॉप में। मेजर पेस्ट ऑफ कोल क्रॉप इज DBM, डायमंड बैक मॉथ। ये होता है एक मेजर पेस्ट होता है जिसका साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो प्लूटोला जाइलोसेला होता है। ये डायमंड बैक मॉथ इस तरीके का दिखता है, काफ़ी बेकार सा एक इंसेक्ट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पत्तियों को डैमेज करता है और पत्तियों को डैमेज हो जाने की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाता है। इसके बाद आता है क्लब रॉट ऑफ कैलीफ्लावर ड्यू टू प्लाज्मो डायोफोरा ब्रेसिकी। क्या होता है? प्लाज्मो डायोफोरा ब्रेसिकी, यह होता है क्लब रॉट ऑफ कैलीफ्लावर। ये इस तरीके का दिखता है। इसमें क्या होता है, जब क्लब रॉट हो जाता है, इसको क्लब रॉट भी बोलते हैं और कुछ लोग क्लब रूट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कोल क्रॉप्स होती हैं, चाहे वो फूल गोभी हो, चाहे पत्ता गोभी हो, चाहे कैबेज हो, चाहे ब्रोकली हो या इटालियन कैबेज हो, किसी भी तरीके का जो कैबेज होता है उसमें जब ये क्लब रॉट वाली डिजीज़ लगती है तो इसमें जो जड़ होती है ये जड़ काफ़ी मोटी मोटी सी हो जाती है और इनकी ग्रोथ रुक जाती है, मतलब आपस में एक बंच नुमा ये जड़ बन जाती है। ये बहुत ही प्रॉपर जड़ नहीं बनती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे ये गांठ नुमा जड़ बन गई है। ये क्यों होता है? ये होता है प्लाज्मो डायोफोरा ब्रेसिकी की वजह से होता है। इसके बाद आता है कर्ड रूट या सॉफ्ट रॉट ऑफ कोल क्रॉप ड्यू टू अर्विनिया क्रोटोवेरा। अर्विनिया क्रोटोवेरा की वजह से होता है, एक तरीके का ये सॉफ्ट रॉट होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा, जब आप मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने, तो क्या होता है कि इसमें हल्की सी बदबू आती है और इसमें ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर के ऐसे गल जाता है। जब आप उसका बंच देखेंगे, कर्ड देखेंगे कैलीफ्लावर का, तो इसके कर्ड में ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट देखेंगे, और जब उस ब्राउन कलर के स्पॉट को आप छुएंगे तो आपको बहुत ही सॉफ्ट सा लगेगा और एक बहुत अजीब सी वहाँ से बदबू भी आती है। इस तरीके का आपको सिम्टम देखने को मिलता है। ये क्या होता है? कर्ड रॉट होता है या फिर सॉफ्ट रॉट इसको कहते हैं। ये होता है अर्विनिया क्रोटोवेरा की वजह से होता है। ठीक, इसके बाद आता है व्हाइट रस्ट या व्हाइट ब्लिस्टर ऑफ क्रूसीफर्स।
ये इस तरीके का सिम्टम प्रोड्यूस करता है। इसमें एक रस्ट मतलब धूल जैसे चीज़ चपक जाती है जो कि सफ़ेद सफ़ेद सी होती है, या पत्तियों के निचले पोर्शन पर चिपक जाता है। और इसके अगर हम साइंटिफिक नेम या फिर बोटेनिकल नेम के इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो यह होता है अल्ब्यूगो कैंडिडा। क्या होता है? अल्ब्यूगो कैंडिडा जो होता है ये व्हाइट रस्ट ऑफ कॉलीफ्लावर का या क्रूसीफर्स का एक बोटेनिकल नेम या फिर कह सकते हैं साइंटिफिक नेम होता है। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी इज मोस्ट कॉमन इन क्रूसीफेरी फैमिली। बात समझना ध्यान से, मैंने जैसे कहा कि जितने भी कोल क्रॉप होती है वो या प्रोटोगाइनी होती है, कहने का मतलब कि फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा। तो अगर किसी भी पौधे का फीमेल पहले मैच्योर हो जा रहा है और मेल नहीं मैच्योर हो रहा है तो इसमें क्या होगा? क्योंकि फीमेल पहले मैच्योर हो गई है तो किसी दूसरे प्लांट का एंथर चला आएगा, किसी दूसरे कोल क्रॉप का एंथर आ जाएगा। जैसे मान लो एक कैबेज ये है, एक कैबेज ये है, एक कैबेज ये है। अब इनमें से जो ये वाला पौधा है, इस पौधे का जो फीमेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो गया। इसमें से क्या हुआ? फीमेल पहले मैच्योर था लेकिन अब मेल भी मैच्योर हो गया है। तो क्या होगा? इसमें दोनों मैच्योर हो गया है, एक आगे पहले फीमेल मैच्योर हो गया, बाद में मेल मैच्योर हुआ। इसका मेल मैच्योर हो चुका है, तो इसका मेल मैच्योर हुआ तो ये इसका जो पॉलन है वो यहाँ जाने की संभावना बढ़ जाएगी। और इसका जो फीमेल मैच्योर हुआ है, इसने कहीं दूसरे पौधे से अपना अपना वो पॉलन लिया है। इस तरीके से जब होता है तो इसको हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बढ़ती है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बढ़ने का मतलब ये है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं। अगर अलग अलग टाइम पर मैच्योर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा नहीं। तो उसी को अगर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इनकम्पेटेबल। मतलब कोई एक ऐसा बैरियर आ जाए जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो तो इसको क्या कहते हैं? स्वाबाध्य निषेचता, यानी कि सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। तो मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पर मैच्योर होने की वजह से क्या होता है? सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी आ जाती है। ये जितने भी क्रूसीफेरी फैमिली के होते हैं सब में पाया जाता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, द करेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर ऑफ कोल क्रॉप इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाई मिथाइल ट्राईसल्फाइड। क्या होता है? डाई मिथाइल ट्राईसल्फाइड एक इसके अंदर कंपाउंड पाया जाता है। इसी की वजह से जो अपना कोल क्रॉप होती है इसके अंदर एक फ्लेवर आता है जिससे हम जान पाते हैं कि हाँ ये गोभी है, पत्ता गोभी है। तो इसके अंदर का जो फ्लेवर होता है वो किसकी वजह से होता है? डाई मिथाइल ट्राईसल्फाइड की वजह से इसके अंदर फ्लेवर पाया जाता है। इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कोल क्रॉप। कोल क्रॉप में जो लगने वाले कुछ इंसेक्ट पेस्ट हैं उनके बारे में बात करें तो जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो DMB होता है, बोले तो डायमंड बैक मोथ, ये एक बहुत ही खराब टाइप का इंसेक्ट होता है, एक पेस्ट होता है जिसका साइंटिफिक नेम होता है प्लूटेला जाइलोसेला। ये एक सीरियस पेस्ट होता है कैबेज का। इसके जो लार्वा होता है वो पत्तियों को खाता है और इसके बाद लेटर में गैलरीज इन हेड कैबेज फ्रूट। उसके बाद फिर क्या करता है कि जो कैबेज का जो हेड होता है, यानी कि जो एक गोल सा हेड होता है कैबेज का, उसी कैबेज के हेड में जो छेद कर देता है, पत्तियों को खाते रहता है और एक सुरंग बना देता है, उसी को गैलरी बोलते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है कि पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं और इसका लार्वा जो होता है वो कैबेज के ही अंदर पड़ा रहता है। बाद में जब ये एडल्ट होता है तो इस तरीके का दिखता है। तो इसका जो लार्वा होता है वो पत्तियों को खा खा के बहुत नुकसान पहुंचाता है कैबेज को। इसके बाद डायमंड बैक मोथ हैज़ डेवलप द रेजिस्टेंट अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द इंसेक्टिसाइड। इसकी सबसे जो ख़राब बात ये है कि जब ये डायमंड बैक मोथ लगता है तो हम कोई इस पर केमिकल डालते हैं, लेकिन जब ईयर पर ईयर इसमें वो केमिकल पड़ता रहता है, वो इंसेक्टिसाइड डालते रहते हैं, तो धीरे धीरे ये जो इंसेक्ट है उसके प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक, जिससे क्या होता है कि वो इंसेक्टिसाइड फिर इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, काम करना बंद कर देता है, फिर हमको कोई दूसरा इंसेक्टिसाइड यूज़ करना पड़ता है। इसलिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ढेर सारे इंसेक्टिसाइड टाइम टाइम पर रिकमेंड करे जाते हैं। जैसे और इसका एक चीज़ और है, अगर हम इसको मैनेज करना चाहते हैं DMB को, डायमंड बैक मोथ को, तो इसके लिए हम कोई एक अट्रैक्टिव क्रॉप बो दें जिसको हम ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इंडियन मस्टर्ड हुच अट्रैक्ट
80-90% डायमंड बैक मॉथ यूज एज ए ट्रैप क्रॉप। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप कैबेज की खेती कर रहे हैं, तो कैबेज की खेती करते समय आपको बीच बीच में क्या होगा कि इंडियन मस्टर्ड जो देसी सरसों आती है उसकी बुआई कर देनी है। तो इसमें क्या होगा कि सरसों की पत्तियां थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और ऊपर रहती हैं, ईजिली मौथ को मिल जाती हैं। तो क्या होता है कि जो कैबेज पर डैमेज करने वाला था यह मौथ, यह क्या करता है, ये सरसों की पत्तियों पर चला जाता है और 80-90% जो हमारी क्रॉप होती है ये बच जाती है। ये एक तरीके का इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, जिसमें हम इंसेक्ट या पेस्ट को कोई दूसरी फसल उसको खाने को दे देते हैं, जिससे हमारी जो मेन फसल है वो बच जाती है। इसके साथ साथ अल्टरनेटिव स्प्रे हम कर सकते हैं, मतलब एक दिन इसको डालें, फिर इसको डालें, फिर इसको डालें, इस तरीके से हम इसको छिड़काव करके इसका जो डायमंड बैक मौत का उपचार हम कर सकते हैं। जैसे इसमें हम डाल सकते हैं कुनाल फॉस 35 EC, या फिर आप डाल सकते हैं कारटाप हाइड्रोक्लोराइड, या फिर आप डाल सकते हैं फेनवेलरेट। इन तीनों को अल्टरनेट डेज पर हम यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिवली। जैसे एक बार ये दवा डाल दी, फिर कुछ दिन बाद फिर दूसरी दवा, फिर कुछ दिन बाद तीसरी दवा। अगर आपको नहीं दिख रहा है अंतर, तो आप ये तीनों दवाएं कुछ कुछ दिनों के अंतर पर डाल सकते हैं। वरना अगर आपको एक ही दवा का छिड़काव करने पर, एक ही पेस्टिसाइड का छिड़काव करने पर अगर आपको दिख रहा है कि हाँ अब ये डायमंड बैक मौथ हमारे खेत में नहीं है, तो आप एक ही पर रोक सकते हैं, नहीं तो अल्टरनेट डालना पड़ेगा। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट, ये जो इंसेक्ट होता है ये काफ़ी ज़्यादा पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। बार बार जब कोई इंसेक्टिसाइड इसके ऊपर डाला जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये उसके प्रति अपनी रेजिस्टेंसी डेवलप कर लेता है। इसके बाद अगला जो आता है वो होता है मस्टर्ड सो फ्लाई, जिसको हम बोलते हैं एथेलिया प्रोक्सिमा ल्यूजेंस। ये ओनली वन पेस्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर का एक, केवल एक यही है जो कि एक पेस्ट का काम करता है, यानी कि फसलों को नुकसान करने वाला हाइमेनोप्टेरा का केवल एक ही जीव यही है, जिसको हम बोलते हैं मस्टर्ड सो फ्लाई। इसका साइंटिफिक नेम होता है एथेलिया प्रोक्सिमा ल्यूजेंस। ठीक, इसकी अगर हम फैमिली की बात करें, तो इसकी जो फैमिली होती है ट्रेंथीडिनेडी। ठीक, ये होता है कैबेज सेमी लूपर। अब ध्यान से समझना, ये जो मैं बता रहा हूँ मस्टर्ड सो फ्लाई, ये इस तरीके का होता है। इस ये जब चलता है, तो इसके चलते हुए आप देखेंगे कि इसका ये ऊपर वाला सिरा ऐसे उठ उठ के चलता है, मतलब ऐसे ये मटक मटक के चलता है। आपने इसको चलते हुए देखा होगा। और अगर आप किसान के बेटे हैं या आप किसान हैं, आपने खेती करी है, तो आपने कैबेज के पौधे पर इसको चलते हुए ज़रूर देखा होगा। जो कोल क्रॉप होती हैं उनके पौधों पर चलते हुए बहुत देखा होगा। ये बहुत ही अदाओं के साथ चलता है, बड़ा ही अच्छा लगता है देखने में कि ऐसे मटक मटक चल रहा है, चलने में बड़ा अच्छा लगता है इसको अगर देखोगे तो। इसके बाद आता है कैबेज सेमी लूपर। इस तरीके का यह सेमी लूपर होता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है प्लूसिया ओरिकेलिका। ये नॉक्टिडी फैमिली का होता है, इस तरीके का दिखता है। ये भी पत्तियों का सेल शेप जो होता है उसको सक करता है और पौधे को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद अगली जो क्रॉप आती है वो अपनी है कैबेज। ठीक, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटाटा। ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटाटा, इंडिया रैंक थर्ड इन कैबेज प्रोडक्शन। देखो ध्यान से समझना, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, मैं भूल गया, क्रॉस चेक नहीं किया। कैबेज के प्रोडक्शन में इंडिया कौन से स्टेज पर है, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ा सा ओल्ड एडिशन है। ओल्ड एडिशन में 2-4% की कहीं कहीं पर कुछ चेंजेस हैं, जो कि ओल्ड एडिशन में कुछ गलत हो गया था, तो न्यू एडिशन में उसको चेंज किया गया है, लेकिन 2-4% ही है। इसी वजह से मैं अभी ओल्ड एडिशन ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी न्यू एडिशन नहीं है। कैबेज हैज़ एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडोल 3 कार्बिनोल। कैबेज के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं इंडोल 3 कार्बिनोल। ये एक तरीके का एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड होता है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर इसको हम खाते हैं, तो अगर हमारी बॉडी में कोई कैंसर वाली कोशिका है जिससे हमारे अंदर कैंसर डेवलप हो सकता है, तो ये उसको क्योर करने में मदद करती है। बात समझना ध्यान से, यह कैंसर को बिल्कुल ख़त्म नहीं करता है, लेकिन एंटी कैंसरस होता है, मतलब अगर कैंसर है तो उसमें ये कुछ हद तक फायदा कर सकता है। द इंसिडेंट ऑफ क्लब रॉट
अभी जैसा कि मैंने बताया था, जो क्लब रूट होता है, मतलब जो जड़ें बिल्कुल ऐसे गुच्छेनुमा हो जाती हैं, ये कब होता है? अगर हमारे सॉइल का पीएच 5.7 है, तो इस कंडीशन में आप 100% मानकर चलिए कि क्लब रूट हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि एसिडिक सॉइल हो जाती है तो रूट अच्छे से ग्रो नहीं करती। रूट आपस में ही क्या हो जाती है कि एक क्लब फॉर्मेशन कर लेती है, एक गांठ नुमा जड़ बन जाती है। इसके बाद आगे हम बात करें, फ्रूट ऑफ कैबेज इज नोन एज हेड। इसका जो फ्रूट होता है, मतलब जिसको हम खाते हैं, फ्रूट नहीं कह सकते इसको, हम ऐसे कह सकते हैं इडिबल पार्ट ऑफ कैबेज। कैबेज का ये जो इडिबल पार्ट होता है, ये हेड होता है, इसी को हम लोग खाते हैं। ये पत्तियों के गुच्छे होते हैं जो आपस में बहुत ही कसे रहते हैं, आपस में ही एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, एडिबल रूप में कंज्यूम करते हैं। अगर हम इसके फ्रूट टाइप की बात करें तो ये सिलकुआ होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो लगेगा कि इसका जो फ्रूट टाइप हो वो पोड टाइप का है, फली टाइप का है, जैसे कि मटर की फली होती है या ग्वालसेम की फली होती है, बाकला की फली होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है, सिलकुआ में क्या होता है कि आपको हर सीड के चारों तरफ एक पतली झिल्ली दिखाई देती है, जबकि आप ध्यान से अगर देखेंगे तो पॉड में ऐसा नहीं होता है। पॉड में एक कवर होता है और उस कवर के अंदर फिर ढेर सारे आपको ऐसे सीड लाइन से मिलेंगे, ठीक पॉड में। लेकिन सिलकुआ में क्या होता है कि बाहर से देखने में तो ये लगता है जैसे पॉड तरीके का, पॉड जैसा लगता है, लेकिन जब आप इसको अंदर देखेंगे तो हर सीड जो होता है ये एक कवर के ऊपर से ढका हुआ होता है। यही होता है सिम्टम सिलकुआ का। अगर हम सीड रेट की बात करें कि कैबेज का सीड रेट कितना होता है, तो 300 से लेके 750 ग्राम सीड रिक्वायर होता है अगर हमको एक हेक्टेयर की प्लांटिंग करनी है। इसके बाद अगर हम वैरायटीज़ की बात करें तो गोल्डन एकड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है कैबेज की, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद है कोपेनहेगन मार्केट, ये एक अर्ली वैरायटी होती है, और प्राइड ऑफ इंडिया। ये तीन की तीनों वैरायटी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और तीनों ही वैरायटी कैबेज से रिलेटेड अगर जो वैरायटी पूछी जाती हैं तो यही तीनों वैरायटी पूछी जाती हैं ज़्यादातर, तो इसीलिए आप इन वैरायटी को ज़रूर याद कर लीजिए। इसके बाद कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ भी हैं कैबेज की, जैसे पूसा ड्रम हेड क्या होता है, ब्लैक लेग रेजिस्टेंट होता है। ब्लैक लेग रेजिस्टेंट में क्या होता है कि जब आप देखेंगे कि तो पत्तियों का जो, मतलब जो पुरानी पुरानी पत्तियां होती हैं जो हेड के बहुत बाहर होती हैं, जो ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस के काम में आती हैं, उसमें क्या होता है कि पत्तियों का जो निचला पोर्शन होता है यहाँ पर ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर का एक स्पॉट बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक लेग, ठीक। ये इस तरीके का सिम्टम देखने को आपको मिलता है। तो जो पूसा ड्रम हेड वेराइटी है एक हाइब्रिड वेराइटी है, और इस वेराइटी में ये वाली बीमारी आपको देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद है दूसरी जो वैरायटी है वो है पूसा मुक्ता, ये ब्लैक रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है। अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके का रॉटिंग दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे यही रॉटिंग जब आप देखेंगे तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है, और फिर धीरे धीरे ये सूख जाता है और पत्तियां डैमेज हो जाती हैं। तो ब्लैक रेजिस्टेंट रॉट की जो ब्लैक रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है कैबेज की, वो कौन सी है, पूसा मुक्ता। इसके बाद जो अगली वैरायटी है वो है पूसा संबंध। ये कुछ तीन वैरायटीज़ हैं जो कि हाइब्रिड हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगली कोल क्रॉप है वो है कैलीफ्लावर। इसके साइंटिफिक नेम या फिर बोटेनिकल नेम की अगर हम बात करें तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस। ये बोट्राइटिस वेराइटी का होता है। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है जिसको हम ब्लांचिंग बोलते हैं। ब्लांचिंग इज डन इन कैलीफ्लावर टू प्रोटेक्ट कर्ड फ्रॉम अट्रैक्टिंग येलो कलर आफ्टर देयर डायरेक्ट एक्सपोजर टू सन एंड टू अरेस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी। बात समझना, जब ये फूल गोभी के अंदर जो फूल बनने लगता है, बोले तो जब कर्ड बनने लगता है, तो क्या होता है कि अगर इसको डायरेक्ट सनलाइट मिलने लगती है तो ये जो कर्ड होता है ये सफ़ेद ना होकर के किस कलर का हो जाता है, धीरे धीरे ये पीले कलर का हो जाता है। अगर ये पीला हो जाएगा तो इसकी क्वालिटी घट जाती है, मतलब मार्केट में आपको इसका बहुत अच्छा दाम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगता है, ठीक। ये ऐसा होता कब है, जब हम अर्ली जो वैरायटीज़ होती हैं कैबेज की उनको ग्रो करते हैं, तो उस समय क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है,
ये जून के महीने में, मई जून में ही लगा देते हैं। तो ये गर्मी के महीने की जो वैरायटीज होती हैं, अर्ली वैरायटी ऐसे समझो, तो ये जो अर्ली वैरायटी होती है, जब इनको हम लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये वैरायटीज सनलाइट के संपर्क में ज़्यादा आती हैं, क्योंकि उस समय धूप होती रहती है। अब मई जून मैंने बोल दिया, थोड़ी सी गलती हो गई, ये मई जून का नहीं होता, ये ऐसे समझिए कि नवंबर से 3 महीने पहले, यानी कि अगस्त सितंबर के आसपास। तो इस समय पर क्या होता है, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा होती है, तो उस समय की जो वेराइटीज़ होती हैं उनका ये जो कर्ड होता है ये पीला ना पड़े, इसके लिए क्या करते हैं कि अगल बगल की जो कुछ पत्तियां होती हैं, 3-4 पत्तियां, जैसे ये 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ पत्तियां, इस कर्ड के अगल बगल की पत्तियों को लेकर और एक रस्सी से इसको बांध दिया जाता है, जिससे कि ये कर्ड जो है वो डायरेक्ट सनलाइट में ना आ जाए। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब हम पत्तियों को बांध देते हैं तो कोई इंसेक्ट और जो पेस्ट होते हैं उनका अटैक भी नहीं होता है कर्ड पे, तो हमारा कर्ड बढ़िया सुरक्षित बना रहता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लांचिंग बोलते हैं। और इसका जो कैलीफ्लावर का जो ये कर्ड होता है, ये जो एडिबल पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्ड। ठीक, ये जो पार्ट होता है इसको कर्ड बोलते हैं। कैबेज का क्या था, कैबेज का हेड था, कैलीफ्लावर का क्या है, कर्ड है। 3 सीजन वेराइटीज़ आर अवेलेबल इन कैलीफ्लावर। कैलीफ्लावर एक ऐसी फसल है जिसमें कुछ ऐसी वेराइटीज़ हैं, या कैबेज में ऐसी वेराइटीज़ पाई जाती हैं जो तीनों ऋतुओं में आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे खरीफ में ग्रो करना है तो ये वेराइटी, रबी में ग्रो करना है तो ये वेराइटी, जायद में ग्रो करना है तो दूसरी वेराइटी। मतलब खरीफ, रबी और जायद में ग्रो करने के लिए अलग अलग वेराइटी इसमें पाई जाती है कैलीफ्लावर में। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्कोपिंग। स्कोपिंग का मतलब क्या होता है, देखो जब हमको फूल गोभी से फल लेने होते हैं, सीड लेने होते हैं, बात समझना, जब हमको कैलीफ्लावर से सीड प्रोडक्शन करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि सीड प्रोडक्शन करने के लिए ये जो कैलीफ्लावर होता है, कैलीफ्लावर की ये बीच का जो इतना सा पार्ट होता है, कर्ड के बिल्कुल बीचों बीच का पार्ट, ये पार्ट जब हमारा कर्ड थोड़ा सा फैलना स्टार्ट करता है, कहने का मतलब देखो अभी ये तो बहुत टाइट है, लेकिन धीरे धीरे जब ये फैलना स्टार्ट करेगा तो इसके बीच वाला पार्ट को थोड़ा सा काट के हम निकाल देते हैं। जब हम इसको काट के निकाल देंगे तो जो सेंट्रल पोर्शन होता है वहाँ का कर्ड जब निकल जाता है तो नीचे से जो फ्लावर के स्टाक होते हैं वो बहुत ही आसानी से बाहर निकल पाते हैं। और जब फ्लावर स्टाक बाहर निकलते हैं, कहने का मतलब थोड़ी सी जगह बन जाती है, तो जो नीचे से जो फ्लावर स्टाक निकलना है, एक ऐसे ब्रांच के नुमा निकलता है और फिर ऊपर जाके उसी में फ्लावर लगता है, फिर बाद में उसी पर फ्रूट लगते हैं, फिर वही सीड बनता है। ठीक, जिसको हम जो इसका सीड होता है उसको यूज़ करते हैं ट्रांसप्लांटिंग में, नर्सरी ग्रो करने में। तो इसके सीड का प्रोडक्शन करने के लिए स्कोपिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बीच का कर्ड काट के थोड़ा सा निकाल देंगे तो हल्का सा सुराख हो जाएगा, तो वहीं से फिर क्या होगा कि फ्लावर का स्टॉक आराम से निकल जाएगा और फिर बाद में अपना फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। इसकी अगर हम वेराइटी की बात करें तो पूसा हिमजोत और पूसा स्नोबाल और एक पूसा स्नोबाल 16 है। ये सभी वेराइटी सेल्फ ब्लेंचिंग हैबिट की होती हैं, मिड सीजन की वेराइटी होती हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियां बहुत ढेर सारी निकलती हैं, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, तो इसका जो कर्ड होता है वो पत्तियों से अपने आप ही ढका रहता है, तो इसमें आपको ब्लांचिंग करनी नहीं पड़ती, मतलब कर्ड को ढकना नहीं पड़ता, खुद ही बांधना नहीं पड़ता जैसे रस्सियों से अभी बांधा जाता है। क्योंकि ये जो होता है पूसा स्नोबाल या फिर हिमज्योति, इसमें पत्तियां ढेर सारी होती हैं और स्टार्टिंग में पत्तियां कर्ड की तरफ मुड़ी रहती हैं, जिससे कर्ड अपने आप ही ढक जाता है। अगर हम सीड रेट की बात करें तो कैलीफ्लावर का जो सीड रेट होता है नॉर्मल कंडीशन में वो 450 से लेकर 700 ग्राम के आसपास तक होता है, अगर आपको 1 हेक्टेयर कैलीफ्लावर को ग्रो करना है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ अर्ली वेराइटीज हैं, जैसे पूसा अर्ली सिंथेटिक और अर्ली कुंवारी, पूसा दीपाली, पूसा कार्तिकी, पूसा शरद। इसमें से ये जो पूसा शरद कार्तिक दीपाली है ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है, और पूसा सिंथेटिक जो वैरायटी है, पूसा अर्ली सिंथेटिक वैरायटी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं लेट वैरायटी। लेट वैरायटी में पूसा स्नोबाल होता है और पूसा मैजेस्टी होता है।
ये दोनों जो वैरायटी होती हैं ये अप्रैल से लेकर जुलाई तक हिली एरियाज़ में ग्रो होती है, ये हिमज्योति जो वैरायटी है। और इन दोनों वैरायटीज़ में क्या होता है, क्योंकि पत्तियां ज़्यादा होती हैं तो ये क्या हो जाता है, इसके अंदर हमको ब्लांचिंग नहीं करनी पड़ती है। इसके बाद आता है डिसऑर्डर ऑफ कैलीफ्लावर। कैलीफ्लावर जो होता है जब हम इसको ग्रो करते हैं तो हमको इसमें कुछ डिसऑर्डर भी देखने को मिलते हैं। अगर हम उन डिसऑर्डर की बात करें तो जो सबसे पहला डिसऑर्डर है वो है ब्लाइंडनेस। ठीक, प्लांट हैविंग नो टर्मिनल बड एंड फेल टू फॉर्म एनी कड। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारा जो प्लांट है वो इनिशियल स्टेज में ऐसा है, ठीक, अब यहीं पर कर्ड बनना शुरू हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहीं पर कर्ड बनना शुरू हो रहा है। अब ये जब कर्ड बनना शुरू होता है बहुत ही छोटा सा होता है, अगर इस स्टेज पर कोई कीड़ा इसको काट ले, किसी तरीके से यह डैमेज हो जाए, तो क्या इसमें आगे कर्ड बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब फूल गोभी बनेगी? बिल्कुल भी नहीं बनेगी। पौधा बड़ा होके इस तरीके से आपको दिखता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें फूल गोभी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इसका जो टर्मिनल पोर्शन था, जो टर्मिनल बड थी, वो डैमेज हो चुकी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंडनेस बोलते हैं। डैमेज इन अर्ली स्टेज बाय इंसेक्ट या फिर लो टेम्परेचर या फिर फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट की कंडीशन में भी हो जाता है। जैसे मान लो कि ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, तो ठंडी ज़्यादा पड़ेगी तो इसके जो कोशिकाएं होती हैं वो फ्रॉस्ट की वजह से डैमेज हो जाती हैं। लो टेम्परेचर की वजह से इसकी जो इसकी कोशिकाएं हैं डैमेज हो जाती हैं और यह सूख जाता है, या फिर किसी इंसेक्ट ने अगर इसको डैमेज कर दिया तो ये ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। इसके बाद आता है बटनी, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल कर्ड इन यंग प्लांट। बात समझना, बटनिंग में क्या होता है कि जो ये एक कर्ड होता है ये बिल्कुल टाइट सा एक गुच्छा नहीं बनाकर अलग अलग छोटे छोटे ऐसे गुच्छे बनाता है, ये अलग अलग हो जाते हैं, देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगता है, मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा घट जाती है। ये होता है एक बटनिंग प्रॉब्लम, इसमें स्मॉल स्मॉल कर्ड ढेर सारे बन जाते हैं। जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कितने ढेर सारे कर्ड इसमें अलग अलग बन गए हैं। ये क्यों होता है, जब हमारे खेत में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तब हमको ये वाला जो डिसऑर्डर है वो देखने को मिलता है। फिर अगला जो डिसऑर्डर है वो है हॉलो स्टेम। हॉलो स्टेम का क्या मतलब होता है, जब कैबेज का या कैलीफ्लावर का जो मेन स्टेम होता है वो खोखला हो जाता है। जैसे आप ध्यान से देखिए तो आपको ये दिखेगा कि ये जो कैलीफ्लावर है इसका जो मेन स्टेम है वो किस तरीके से खोखला है, ये देखिए, बीच में आपको ऐसे खोखला मिलेगा। जब इसको आप काटेंगे तो आपको ऐसे खोखला दिखेगा। ये ऐसा क्यों होता है, एक्सेसिव ग्रोइंग प्लांट ऑफ कैलीफ्लावर डेवलप्ड होलो स्टेम एंड कर्ड। ये होता क्यों है, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर स्पेशली नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन को ज़्यादा डाल देंगे तो हमको होलो स्टेम वाली समस्या देखने को मिलेगी, अगर हम कम डालेंगे तो हमको ये बटनिंग वाली समस्या देखने को मिलेगी। इसीलिए वी हैव टू एंश्योर द ऑप्टिमम एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर When we use to cultivate cauliflower in the field, cauliflower अगर हम की खेती कर रहे हैं तो हमको नाइट्रोजन बहुत ही नपे सधे मात्रा में इसको डालना है, क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे तो होलो स्टेम हो जाएगा, कम डालेंगे तो बटनिंग हो जाएगी। फिर अगला है whip tail, only midriff of leaf blade is developed, so the name whip tail is given. ये मॉलिब्डेनम के डेफिशिएंसी से होता है, ज़्यादातर एसिडिक सॉयल में देखने को मिलता है, मॉलिब्डेनम की कमी होती है एसिडिक सॉयल में। उसमें क्या होता है कि ये पत्तियों का जो मिड रिप होता है, ये बीच वाला जो पोर्शन होता है, केवल इतना ही डेवलप होता है, और बाकी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बगल बगल की पत्तियाँ देखिए ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रही हैं। तो ये जितनी मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी होगी या फिर व्हिपटेल की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसी तरीके से पत्तियों का जो बगल बगल में जो ये पत्तियों पे निकलता है, ये पत्तियां जो बड़ी होती हैं बगल बगल में मिडरिप के दोनों तरफ, ये बहुत ही कम होगा। तो पत्तियां कैसे निकलेंगी, ऐसे व्हिप टेल की जगह जैसे निकलती हैं, जिसको हम व्हिप टेल बोलते हैं, इसीलिए इस डिसऑर्डर का नाम भी व्हिप टेल ही है। इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं क्लोरोसिस का, इंटरवीनल येलो मोल्टिंग ऑफ द लोअर लीफ। जो पुरानी लीफ होती हैं कैलीफ्लावर की, उसमें आपको क्या मिलेगा, येलोइंग मिलने लगती है। जो पत्तियों की जो वेंस होती है, जैसे ध्यान से देखेंगे तो पत्तियों की जो नस होती है
इसके बीच में आपको एलोइंग देखने को मिलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस बोलते हैं। ठीक, ये किसकी वजह से होता है, ये मैग्नीशियम के डेफिशिएंसी से आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अगला होता है राइसीनेस। राइसीनेस, अब आप इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइसीनेस का सिम्टम जानने के लिए अगर आपने 220 पिक्सल में या 300 या 720 पिक्सल में आप देख रहे हैं वीडियो को, तो आप एक बार 180 कर लीजिए तो आपको ये दिख जाएगा राइसीनेस का सिम्टम। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा तो आप इसको इंटरलेट कर पाएंगे। राइसीनेस में क्या होता है कि द सर्फेस ऑफ कर्ड इज लूज एंड हैव वेलवेट अपियरेंस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल व्हाइट फ्लावर बर्ड एट द कर्डिंग स्टेज। बात समझना, जैसे आपने वेलवेट के कंबल देखे होंगे, उसमें आपको लगता है ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट से ढेर सारे ऐसे रुएं निकले होते हैं, हाफ हाथ लगाएंगे तो ऐसे दूसरे कलर का हो जाता है, और इधर करेंगे दूसरी तरफ अगर हाथ करेंगे तो फिर थोड़ा सा वो गाढ़े कलर का हो जाता है। उसमें आप लिख भी सकते हैं, हम लोग बचपन में उस पर लिखा करते थे, ऐसे फैला देते थे और उस पर लिखते थे तो वैसे लिख जाता था, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत पतले पतले से रोइन लगे होते हैं। इसी तरीके का सिम्टम कुछ राइसीनेस में हो जाता है। क्या होता है कि जब कर्डिंग स्टेज आती है, तो कर्डिंग स्टेज में अगर आप इसको 180 में किए होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इसके ऊपर आपको बहुत पतले पतले ढेर सारे रोइन लग रहा होगा, कि कैसे ढेर सारे रोइन निकल रहे हैं इसमें, इसी को हम राइसीनेस बोलते हैं। ये क्यों होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से होता है, हैवी एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन की वजह से होता है, और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। इन तीन चीज़ों की जब ये जब तीन चीज़ें होती हैं, चाहे फिर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो, कभी टेम्परेचर कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, या फिर नाइट्रोजन हमने ज़्यादा डाल दिया है, या फिर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इन सभी कंडीशन में राइसीनेस वाली जो प्रॉब्लम है ये देखने को हमको मिलती है। इसके बाद फिर है ब्राउनिंग। ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है, लाइट ब्राउन टू डार्क स्पॉट ऑन स्टेम, ब्राउन कलर ऑफ कर्ड। कर्ड जो होता है धीरे धीरे ब्राउन कलर का हो जाता है। ये क्यों होता है, ये बिल्कुल बोरान के डेफिशिएंसी से होता है। तो मैंने इसमें बता दिया बोरान की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन की एक्सेस, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, और इसके साथ साथ मैंने बता दिया मोलिब्डेनम के डेफिशिएंसी। इन सिम्टम को आप ध्यान से याद कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ये सभी सिम्टम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इसके बाद अगला जो बल्ब क्रॉप है, अभी ये दोनों जो थी वो हमने पढ़ाया कोल क्रॉप, लेकिन अगला जो ये है ओनियन, ये कैसी है, ये आपकी है बल्ब क्रॉप। बल्ब क्रॉप में ओनियन आता है और गार्लिक आता है, लेकिन गार्लिक इसमें है ही नहीं तो मैं गार्लिक इसमें पढ़ाऊंगा नहीं। अगर आपको गार्लिक भी पढ़ना है तो इंस्टेंट हार्टिकल्चर पार्ट टू जो है उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो ओनियन को जो साइंटिफिक नेम या फिर बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है, एलियम सेपा होता है। इसके अंदर विटामिन बी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, किसके अंदर, ओनियन के अंदर, बोले तो प्याज के अंदर। इसके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो हनी बी की वजह से होता है। ये जो मधुमक्खी होती है, यही मधुमक्खी एक पॉलन दूसरे पॉलन पर, एक पॉलन एक पौधे से दूसरे पौधे पर पहुंचाती है, मतलब एक पॉलिनेटर का काम करती है। इसके अंदर जो पंजेंसी होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओनियन की पंजेंसी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो पंजेंसी इन ओनियंस ड्यू टू एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड एक तरीके का कंपाउंड होता है, और इसी की वजह से ओनियन के अंदर आपको पंजेंसी देखने को मिलती है। ओनियन जो होता है ये एक कोल्ड सीजन की क्रॉप है, मतलब इसको ठंडियों में ग्रो किया जाता है, इसको ठंडियों में लगाया जाता है। द कलर ऑफ आउटर स्किन ऑफ ओनियन इज ड्यू टू क्वेरसिटीन। ओनियन का जो कलर होता है आउटर स्किन का, वो कैसा होता है, क्वेरसिटीन की वजह से होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओनियन को, जब आप ओनियन की जो एक एक परत होती है उस परत को आप देखेंगे तो बाहर से पिंक कलर का होगा, जैसे ओनियन बिल्कुल ऐसे छिलके के ऊपर छिलका, छिलके के ऊपर छिलका, ऐसे ऐसे होता है। तो जब आप ओनियन की ऊपरी स्किन को देखेंगे तो आपको पिंक कलर या रेड कलर का दिखेगा, ठीक, लेकिन अंदर से जब आप देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, सफ़ेद दिखेगा। और अगर आप उसको बीच में देख रहे हैं, बिल्कुल बीचों बीच में, मतलब ना बाहर ना अंदर, तो आपको बीच में अगर देखेंगे तो आपको वाइट मिलेगा।
तो ये जो इसके बाहर की स्किन पिंक कलर की होती है वो क्यों होती है? वो होती है क्यूरेसिटिन की वजह से। ओनियन इज वेरी यूजफुल इन सन स्ट्रोक। जो सन स्ट्रोक, जो गर्मी में लू लग जाती है, अगर आपको लू लग गई है तो आपका जो ओनियन होता है ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसलिए कहते हैं कि गर्मियों में जब भी हम खाना खाएं तो फिर हमको अपने सलाद में प्याज ज़रूर रखनी चाहिए। प्याज खाने से जो सन स्ट्रोक होता है या हीट स्ट्रोक होता है, जो ज़्यादातर मई जून के महीने में लगता है, तो उस महीने में प्याज खाना, कच्ची प्याज खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद अगर हम बात करें बोल्टिंग इन ओनियन स्टेम इलोंगेशन, जिसको हम बोल्टिंग बोलते हैं या फिर हम स्टेम इलोंगेशन भी बोलते हैं, ये लो टेम्परेचर की वजह से होता है। बात समझना ध्यान से, इसको मैंने एक बार हाई टेम्परेचर पढ़ लिया था तो ये 4 साल तक मेरे दिमाग में हाई टेम्परेचर ही रह गया, तो अभी मैंने जल्दी में ही पता किया तो ये हाई टेम्परेचर नहीं लो टेम्परेचर होता है। मतलब ये दिमाग में ऐसे घुस गया था, एक बार मैंने हाई टेम्परेचर पढ़ लिया फिर वो हाई टेम्परेचर ही पढ़ता रहा, न कभी एग्जाम में आया न कभी मैंने इसको रीचेक किया कि कहीं गलत तो नहीं हुआ है। तो बोल्टिंग जो होता है ये लो टेम्परेचर की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि जो ओनियन होता है, ओनियन में जो ढेर सारी पत्तियां निकली होती हैं, उसी पत्तियों के बीच में से एक स्टेम निकलेगा। ठीक, जैसे मान लो ऐसे ऐसे पत्तियां निकली होती हैं ओनियन में, ऐसे ऐसे ढेर सारी पत्तियां निकली होती हैं और नीचे अपना ये ओनियन ऐसे लगा होता है, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर एक बड़ा सा स्टेम निकलेगा और इसी स्टेम के ऊपर आपको एक ऐसे बोल्टिंग दिखने को मिलेगी, ऐसे सिम्टम देखने को मिलेंगे, इस तरीके का एक फूलों का गुच्छा बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं बोल्टिंग। इस तरीके का गुच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो गुच्छा होता है ये क्यों बन जाता है? ये लो टेम्परेचर की वजह से बनता है। अगर आपने ओनियन की खेती करी होगी तो आपने ज़रूर देखा होगा एक आदमी तो ये गुच्छा बिल्कुल बन ही जाता है चाहे जैसे, क्योंकि ठंडी में उगता है और ठंडी में ये ज़रूर देखने को मिलता है। प्रॉब्लम तब आती है जब ढेर सारे दिखने लगते हैं, तब हमको उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। इन ओनियन एंड गार्लिक पर्पल ब्लॉच, इसके अंदर एक पर्पल ब्लॉच होता है, इसमें ऐसे पर्पल कलर के स्पॉट बनने लगते हैं, ये ब्लॉच बनने लगती है, ये क्यों होता है? अल्टरनेट या पोरी की वजह से होता है। इस तरीके का सिम्टम आपको देखने को मिलता है। इसके बाद लसलगांव इन महाराष्ट्र इज द बिगेस्ट ओनियन मार्केट इन इंडिया। महाराष्ट्र जो कि इंडिया का एक स्टेट है, इस स्टेट में एक जगह है जिसका नाम है लसलगांव, यहाँ पर एक बाजार लगती है प्याज की और ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्याज की मार्केट है। फिर इसके बाद है कैट कॉल इज ए फिनोलिक फैक्टर प्रेजेंट इन ओनियन हैज एंटी फंगल प्रॉपर्टी। ओनियन के अंदर एक कैटकॉल नाम का फिनोलिक फैक्टर होता है, ये एंटी फंगल प्रॉपर्टी का होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं भी फंगस लगा हुआ है, आपको कहीं पर खुजली हो रही है, तो अगर आप प्याज लगा लेंगे वहाँ पर तो आपको बहुत ही अच्छी सी जलन होगी, बिल्कुल असहनीय जलन, और उसके बाद वो जो खुजली है आपकी वो मिट जाएगी। समझ गए लोग? पहले बचपन में जैसे होता ना देसी नुस्खा, तो इसमें क्या करते थे, अगर किसी को गांव में किसी को रिंग हो गई है, बोले तो दाद हो गई है, तो लोग क्या कहते थे, यार कि प्याज रगड़ लो या लहसुन रगड़ लो। एक बार मैंने यार गलती से रगड़ लिया, फिर कहो ना फिर क्या हुआ। बहुत ज़्यादा जलन करता है, एंटी फंगल होता है, जो फंगस होते हैं बॉडी पर उसको तुरंत ही वो डैमेज कर देता है। इन ओनियन टू चेक स्प्राउटिंग और जर्मिनेशन ड्यूरिंग स्टोरेज इज स्प्रेइंग MH, बोले तो एट द रेट ऑफ 2500 ppm 15 to 20 days आफ्टर स्टोरेज। बात समझना, स्टोरेज के 15 to 20 दिन के बाद इसमें ओनियन में स्प्राउटिंग होने लगती है, तो अगर इसको हमें रोकना है तो मैलिक हाइड्रोजाइड नाम की एक केमिकल आता है जिसको स्प्राउट स्टॉप के नाम से मार्केट में बेचते हैं, अगर इसका हम 2500 ppm का एक स्प्रे कर देते हैं 15 से 20 दिन के बाद स्टोरेज में रखने से, तो ये क्या होता है कि हमारी जो ओनियन होती है इसमें स्प्राउटिंग नहीं होती है, ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, जिससे हम इसको साल भर आराम से स्टोर करके 6 to 7 months आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद है इम्पॉर्टेंट पेस्ट ऑफ ओनियन इज थ्रिप्स। थ्रिप्स इस तरीके का होता है, बहुत पतले पतले थ्रिप्स होते हैं, झुंड में आपको देखने को मिलेंगे, ये पत्तियों के निचले पोर्शन पे रहते हैं, मतलब जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता है,
हल्का जो जो कोना होता है पत्तियों पे, वहीं पर ऐसे पतले पतले स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलेंगे। इसको कंट्रोल करना है अगर आपको, तो एसीफेट 1 ml/L ऑफ वाटर के तरीके से डाल के इसका सॉल्यूशन बनाइए और फिर इसका छिड़काव कर दीजिए खेत में, तो अपन का ये थ्रिप्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम सीड रेट की बात करें तो ओनियन की जो सीड रेट है वो 10 से 12 किलोग्राम सीड पर हेक्टेयर ज़रूरी होता है अगर आपको एक हेक्टेयर ओनियन की प्लांटिंग करनी है। पहले नर्सरी उगाइए 10 से 12 किलो सीड लेके, फिर उस नर्सरी को मेन फील्ड में लगाइए। ऑन प्लांटिंग ऑफ बल्ब, अगर हम बल्ब लगा रहे हैं, जैसे मान लो हमको सीड प्रोडक्शन करना है या फिर हमको साग के लिए इसको उगाना है, तो 750 किलोग्राम अगर मीडियम साइज का बल्ब है, मतलब मीडियम साइज का प्याज है, अगर हमको प्याज लगानी है तो हम क्या करेंगे कि इसे 750 किलोग्राम प्याज हमको लगेगी, मतलब 7 क्विंटल 50 किलो प्याज अगर मीडियम साइज का वो बल्ब है, तो आराम से इतने में हम एक हेक्टेयर की जो बुआई है वो ट्रांसप्लांटिंग आराम से कर सकते हैं। फिर ये बल्ब जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो इसको हम काट के इसकी पत्तियों का साग बना के यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो ओनियन होता है वो बायनियल होता है, एक साल तो बल्ब बनता है और दूसरे साल फिर इसमें सीड आता है, तो अगर सीड के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं तो बल्ब ही लगाना पड़ेगा। ठीक, इन ओनियन नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर क्रॉप इज 500 मीटर स्क्वायर। 500 मीटर स्क्वायर कहने का मतलब ये है कि 10 मीटर चौड़ाई कर दो और 50 मीटर लंबाई कर दो। ठीक, इस तरीके का इतना एरिया अगर हम बना देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते, हमको क्या करना होगा, 1 मीटर लंबाई और 500 मीटर चौड़ाई, मतलब अगर हमको इतना बनाना है तो 1 मीटर लंबा कर देंगे और 100 मीटर, 1 मीटर इधर कर देंगे और 100 मीटर इधर कर देंगे, 1 मीटर × 100 मीटर इतना लंबा, ऐसे एक पट्टी बनाए, फिर ऐसे 2 पट्टी, ऐसे 5 पट्टी बना के हम कर लेते हैं। नर्सरी उगाने की यही एक टेक्निक होती है। इससे क्या होता है, इससे एक फ़ायदा यह होता है कि हम आराम से इसको निकाई गुड़ाई कर लेते हैं। 1 मीटर चौड़ाई रखने से यहाँ बैठ गए, इधर बीच में ड्रेनेज सिस्टम होता है और इरिगेशन सिस्टम होता है, दोनों तरीके से काम कर सकता है। अगर पानी चाहिए तो इस इरिगेशन का काम करेगा, इरिगेशन चैनल का, अगर निकालना है तो ड्रेनेज सिस्टम का काम करेगा। इसी में बैठ के हम हाथ से अपनी निकाई गुड़ाई आराम से कर सकते हैं। ये नर्सरी जब मैं पढ़ाऊँगा, नर्सरी रीयरिंग कैसे होती है तो मैं उसको बताऊँगा, वैसे मैं उसमें बता भी चुका हूँ, फंडामेंटल हार्टिकल्चर जो मैंने 1-2 लेक्चर पढ़ाए हैं। तो ये होता है 500 स्क्वायर मीटर। 500 स्क्वायर मीटर में हम 10 से 12 किलो अपना सीड जो है उसकी नर्सरी तैयार कर लेंगे, फिर बाद में इसको हम मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देंगे। अगर हम वैरायटीज़ की बात करें तो रबी सीजन में जो ग्रो होने वाली वैरायटीज़ हैं उसमें है पूसा रेड, नासिक रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, पटना रेड, फिर उदयपुर 101, 102, 103 ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, फिर पूसा, रतनार और N53, निफात 53 के नाम से ये वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है। उसके बाद है कल्याणपुर रेड राउंड, ये भी एक अच्छी वैरायटी मानी जाती है, और इसके बाद है पूसा माधवी और अर्का बिंदु, ये जो वैरायटीज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा आप। ये सभी ओनियन की वैरायटी है जो कि रबी सीजन में ग्रो करी जाती हैं। खरीफ सीजन में ग्रो होने वाली अर्का कल्याण वैरायटी है, एग्री फाउंड डार्क रेड वैरायटी है, निफात 53 दोनों सीजन में ग्रो हो जाती है आराम से, और अर्का प्रगति ये बोथ सीजन में ये भी ग्रो हो जाती है। तो अगर अर्का प्रगति और निफात 53 जो है ये रवि और खरीफ दोनों सीजन में ग्रो हो जाती है। ये कुछ वैरायटीज़ थी आपकी ओनियन की। आज के लेक्चर में मैंने 3 क्रॉप आपको पढ़ाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।